तो दिल थाम के बैठिए, मेंस पार्ट 1000 मीटर का फाइनल शुरू होने वाला है। एथलेटिक्स में सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है, अगर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट की बात करें तो 1000 मीटर के बाद, 500 मीटर की बात या फिर 200 मीटर की बात करें, 100 मीटर की बात ही अलग है आनंद। और उसी का इंतजार, तो नजर रखिए आप अमिया कुमार मलिक, गुरिंदर सिंह, मणिकांत एच, इकलिया आदर्शन और स्मूर्ति दोनापट्टी, सौरभ, राजेश, गौरव, प्रणव और शशिकांत वीए, जो कि मणिकांत हीट नंबर 2 से जो कि सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हैं वो टॉप पे रहे थे। 10.38 का समय निकाला था उन्होंने और एक नंबर हीट से। और ये रेस की शुरुआत होती हुई लेकिन फॉल्स शुरुआत, और मुझे लगता है कि गुरिंदर सिंह ने फाउल स्टार्ट किया है और वो फॉल्स स्टार्ट की वजह से उन्हें इस रेस को छोड़नी पड़ेगी और काफी निराश हैं जिस तरीके से वो खींच निकाल रहे हैं अपनी फॉल स्टार्ट 523 नंबर की विव में। और उनको पता चल गया था, तुरंत ही पता चल गया था और इस वजह से वो काफी निराश थे, काफी निराशाजनक रहा उनके लिए ये फाइनल। जिस तरीके से उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी लेकिन वे फॉल स्टार्ट की वजह से उन्हें फाइनल से हटना पड़ा। और एक बार फिर से शुरुआत के लिए तैयार होते हुए, अब आपके पास सिर्फ 7 फाइनलिस्ट और ये 7 फाइनलिस्ट में से कौन स्वर्ण पदक का हकदार होता है, कौन नेशनल चैंपियंस बनता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मणिकांत एच पर नजर बना के रखिए जो कि सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10.38 सेकंड के समय के साथ, पहले स्थान पर रहे थे अपनी हीट में, जबकि दोनापट्टी जो कि उड़ीसा के हैं वो दूसरे स्थान पर रहे थे। महाराष्ट्र के गौरव प्रणव 10.52 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। 100 मीटर फाइनल प्रारंभ हो चुका, 4 पर है मणिकांता, मणिकांता को बढ़त मिल गई है, क्या फाइनल में फिनिश करेंगे? जी नहीं, यहां पर एक नया विनर मिला है, एलकदाशिया ने इस रेस को जीत लिया है, तमिलनाडु के एलकदाशिया ने अंतिम 20 मीटर में मणिकांता को पीछे छोड़ते हुए एक कमाल की जीत यहां पर दर्ज की है। और जिस ढंग की शुरुआत की थी यहां पर मणिकांता ने, ऐसा लगा था कि वो फिनिश करने में कामयाब होंगे, लेकिन एलक यादाशन जो तमिलनाडु के हैं आपकी स्क्रीन पर, उन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 100 मीटर फर्राटा रेस अपने नाम कर ली है। कमाल का फिनिश, स्टार्ट बढ़िया था वहां पर मणिकांता का, लगभग 70 मीटर तक उन्होंने रूल किया था। एक बार दोबारा देखते हैं इस रेस को, मणिकांता जो लाल जर्सी में आपको नजर आ रहे हैं, अच्छी शुरुआत की थी, शुरू के 50 मीटर में लगभग आगे चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद फिनिश करेंगे, 70 मीटर के बाद थोड़े से पिछड़े और ऐसे पिछड़े कि शायद पोडियम फिनिश से भी दूर चले जाएंगे। लेकिन बढ़िया प्रदर्शन यहां पर एलकी यादाशन जो तमिलनाडु के हैं, अपने हीट में टॉप पर रहे थे और इसके बाद अभी भी आधिकारिक परिणाम का इंतजार हो रहा है। लेकिन बहुत बेहतरीन, बहुत जितनी तारीफ की जाए, एक बार दोबारा अगर इसको रिलीव करें तो मणिकांता ने 70 मीटर के बाद ऐसा लगा कि शायद काफ मसल्स में थोड़ी खिंचाव के कारण पिछड़ से गए, पैर लड़खड़ाने लगे, फिनिश करना चाहते थे, लेकिन जो जीता वही सिकंदर और सिकंदर बने हैं इस रेस के लकी यादाशन तमिलनाडु के। बिल्कुल जबरदस्त परफॉर्मेंस आया और क्या उन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट हासिल किया है इसके का इंतजार हमें रहेगा, क्योंकि 10.2
9 सेकंड जो है उनका पर्सनल बेस्ट है, और जो हमें